ये मेरे पास इतने सारे लेफ्ट ओवर बचे हैं। तो इन सबसे मैं एक बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह से आप सारे फ्लावर बना के इनसे टीवी के ऊपर डालने के लिए कवर बना सकते हैं, फ्रिज के ऊपर डालने के लिए बना सकते हैं। तो ये इस तरह से जो लेफ्ट ओवर बच जाती है उससे हम यान से बनाने वाले हैं। कोई भी हो, मोटी हो आपके पास यान, पतली हो, कॉटन की थ्रेड हो, सब इसमें यूज हो जाएंगी। तो ये एक लेफ्ट ओवर को यूज करने का सबसे अच्छा आसान सा तरीका है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए ये कलर लिया है अभी, इसलिए आपको अच्छा से दिखेगा भी कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। 2.5 mm का मैंने क्रोशा लिया है और एक सीजर ली है। तो चलिए बनाते। सबसे पहले हमें एक नॉट बनानी है। नॉट बना के हम दस चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और दस। और पहली वाली जो चेन हमने ली है उससे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे और इसमें 24 डबल सॉरी इसमें सिंगल क्रोशे हम 24 बनाने वाले हैं। एक, दो, तीन, चार और ये जो धागा है ना, ये इसको साथ साथ में इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, यानी हमारा पीछे से कुछ भी दिखाई देगा नहीं। पांच, छः, सात, आठ, नौ, ये देखिए ये इसमें यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से ये तो इसमें जगह हो गई। तो मैं पूरे 24 कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पूरे 24 कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे ये जो पहला सिंगल क्रोशे हमने लिया है ना, उससे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी पूरी एक रिंग बन गई। सेकेंड राउंड में हम बनाएंगे तीन चेन। ये डबल क्रोशे की चेन है, तीन चेन, दो जो बीच में स्पेस हमको रखना है उसके लिए है, तो कुल पांच चेन हमने ली है। अब इसमें हमने पहले इसमें बनाया है, ये दूसरा वाला, ये दूसरा स्किप करेंगे और जो तीसरा सिंगल क्रोशे है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। दो चेन, फिर से ये वाला स्किप करेंगे और अगले इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से दो चेन, एक स्किप करेंगे, ये इसी तरह से हम पूरा हमारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 12। इसको एक, दो और तीन, तीसरी चेन से स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे। अब ये जो स्पेस है वहां पे एक स्लिप स्टिच लेंगे हम और लेंगे हम पांच चेन। एक, दो, तीन, चार, पांच। यहां हम लेंगे ट्रिपल डबल क्रोशा। एक, दो,
पहले हम कैसे लेते हैं, एक ही बार में कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर हमको दो बार में लेना है, ऐसे दो बार क्रोशे में धागा लपेटेंगे और जो स्पेस है वहां से एक और ये दो, इनको पूरा नहीं बुनना है, इनको आधे आधे बुनना है हमें, यानी ट्रिपल डबल क्रोशा हमको आधे आधे बार बुनना है। तो देखिए ये एक दो तीन और चार, इन चारों को एक साथ, यानी फोर टुगेदर। फिर से पांच चेन लेंगे हम, एक दो तीन चार पांच, दो बार धागा इस तरह से इसमें क्रोशे में लपेटेंगे हम, ये जो स्पेस है वहां पर एक बार डबल क्रोशा, ये दूसरी बार डबल क्रोशा, और इसको इन दोनों को नहीं बुनना है हमें, इनको सबको साथ में एक साथ बाद में बुनेंगे। ये एक डबल क्रोशा हो गया, एक ये दो, इस तरह से हमें चार बार करना है, ये तीन बार हो गया और ये एक दो तीन चार। अब इन सबको एक साथ फिर से पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, एक बार और दिखाती हूं मैं, ऐसे दो बार आधा, फिर से ये भी आधा लेंगे, तीन ये चौथा, इस तरह से हमारी ये पेटल्स तैयार हो जाएंगी। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये फ्लावर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे एक दो तीन और ये हमारी चौथी चेन से इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इसके आगे का क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैं इसमें कॉन्ट्रास्ट रेड कलर ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। नॉट लगा लेंगे, एक स्लिप स्विच लेंगे, तो अगर कलर चेंज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट एक ही कलर से बना सकते हैं। ये हमने तीन चेन ले ली और दो डबल क्रोशे हम यहां बनाएंगे। ये हमारे तीन डबल क्रोशे हो गए हैं, यहां हम लेंगे तीन चेन और सेम जगह पर तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा बनेगा। अब हम यहां पर लेंगे दो चेन और फिर स्पेस में तीन डबल क्रोशे चेन, फिर सेम जगह पर तीन डबल क्रोशे। छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इन सबको जोड़ के एक खूब अच्छा बड़ा आसन हम बना सकते हैं। अगले स्पेस में तीन डबल क्रोशे, तीन
ये इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये तीसरी चेन से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है इसको स्लिप स्टिच से। अब ये हमारे पास दो हमारे पास डबल क्रोशे हैं, उनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर ये जो स्पेस है, ये तीन और ये तीन डबल क्रोशे के बीच में, वहां हम एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे। यानी कुल मिला के चार स्लिप स्टिच हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद एक दो तीन चेन, तीन चेन और अब हम सात डबल क्रोशे बनाएंगे। चार, पांच, छः, सात, कुल मिला के हमारे आठ डबल क्रोशे बन गए हैं। यहां इन दोनों के बीच में जो हमारा स्पेस है, तीन डबल क्रोशे स्पेस, तीन डबल क्रोशे, इसमें हमने बनाए हैं आठ डबल क्रोशे। फिर उससे अगला ये जो स्पेस है, वहां हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे, एक बार और दिखा देती हूं, आठ डबल क्रोशे हमको यहां बनाने हैं। एक दो सात आठ, आठ डबल क्रोशे बनाने, और जहां हमने दो चेन स्पेस ली थी वहां सिंगल क्रोशे। अब इन दोनों के बीच में आठ डबल क्रोशे, फिर यहां सिंगल। ये मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम तीसरी चेन से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, एक दो और तीन। इसमें हम, ये थोड़ी सी और बची है मेरे पास, तो इसका हम ये कहीं से भी, कहीं इसको भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। अब ये सिंगल क्रोशे जो हमारा है, ये सिंगल क्रोशे से हम यहाँ पे चेन ले लेंगे। इसके अगले इसमें सिंगल क्रोशे, ये आठ डबल क्रोशे हमने जो नीचे बनाया ना, उन सब पे हम, ये जो हमारे आठ डबल क्रोशे हैं, इन सब पे हम सिंगल क्रोशे लेंगे। और यहां जो हमारा एक, इन दोनों के बीच में जो हमने बनाया था, उसमें एक सिंगल क्रोशे लेंगे। तो इसे नौ हमारे सिंगल क्रोशे हो जाएंगे इसमें, तो हर एक पे सिंगल क्रोशा। ये इस तरह से सिंगल क्रोशा बनता जाएगा।
इस तरह से हमारा पूरा बनता जा रहा है। मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा, बस ये एक बची है, ये लास्ट वाली पेन। और ये जो पहले वाले हमने जो लिया है ये वाला, इससे हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फूल मैंने बनाए हैं, ये देखिए, और ये देखिए इसमें भी मैंने तीन कलर लगाए हैं। ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।